हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में आप भी बनाइए इस मिक्स अचार की रेसिपी जो बिल्कुल इंस्टेंट बन के तैयार होता है, वो भी मार्केट से भी अच्छा। तो बिना किसी तामझाम और बिना विनेगर के आज मैं बताने वाली हूँ इंस्टेंट मिक्स अचार की रेसिपी, जो बिल्कुल कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में ये अचार बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गाजर लिया है और गाजर के बीच वाले जो पीली वाली पार्ट होती है उसे काट के हम हटा देंगे। एक मूली लिया है और यहाँ पे मैंने मिर्च लिया है, तो ये मोटे वाले मिर्च हमने इस्तेमाल किया, ये कम तीखी होती है। और सभी चीज़ों को हमने एक इंच के साइज में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे बड़े बड़े भी साइज रख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक इंच के साइजेज में सारे वेजिटेबल्स कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चार हरे नींबू लिया है जिसे चार भागों में मैंने काट लिया था। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि अचार के लिए सब्जियां काटने से पहले 2 से 3 बार अच्छे से धो लें, उसके बाद कपड़े में डाल के उसे अच्छे से पानी वगैरह को साफ़ कर लेना है, उसके बाद कटिंग करें। उसी तरीक़े से मैंने यहां पे सब्जियों को काटा था। तो अब यहां पे मैंने एक कपड़ा लिया है और उस पे जो सब्जियां हमने काटी है उसे डाल देंगे और अच्छे से फैला के धूप में 2 से 3 घंटा तक इसे सुखा लेना है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर धूप में सुखाने। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी 2 से 3 घंटे के लिए इसे सुखा सकते हैं, ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह हो, जो मॉइस्चर है वो आसानी से सूख जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी हमारा अचार अच्छे से बन पाएगा और सालों साल टिक पाता है। सब्जियों को धूप में डालने के बाद अब यहाँ पे अचार वाली मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और 2 चम्मच काली वाली सरसों लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मेथी जाएगा, साथ ही यहाँ पे 3 से 4 हमने तीखी वाली लाल मिर्ची लिया है, 2 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मसालों में काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी मसालों को हमें लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। तो हल्का सा हमें मसालों को भूनना है, ज़्यादा कलर चेंज आने तक नहीं भूनेंगे। मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो इससे पता चल रहा है कि मसाले अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करके दरदरा पीस लेना है। तो अब इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। और अगर आपके पास इमाम दस्ता है तो उसमें भी आप मसाले कूट के अचार के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर लेंगे और इन सभी मसालों को दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मसालों को अच्छे से पीस लिया है और इधर हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियाँ अच्छे से सूख चुकी हैं, इसमें जो भी पानी वगैरह था वो अच्छे से सूख गया है। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें 200 ml सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो अचार के लिए सरसों का तेल ही परफेक्ट है, तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। और आप अपने अचार के क्वांटिटी के हिसाब से तेल यहाँ पे आप ले सकते हैं। तेल को हार्ड गर्म करना है, तो बिल्कुल धुएँ आने तक हमें तेल को हार्ड गर्म कर लेनी है। तो ये देखिए हार्ड गर्म हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करना है, 50 ग्राम के करीब। यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ लिया है और इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है, ऑफ़ करके ही हमें लहसुन पकाना है। लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्के से सॉफ़्ट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। अब इसे ठंडा करके एक मिक्सी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से एक मिक्सी बोल लेना है बड़े से, और उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया है लहसुन और तेल को। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है, जो तीखी कम होती है। और साथ ही यहाँ पे हमने 2 चम्मच भर के आमचूर का पाउडर लिया है, साथ ही इसमें सब्जियाँ भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 4 नींबू लिया है जिसे मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया था, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लेमन का भी इस्तेमाल किया है और आमचूर पाउडर भी डाला है यहाँ पे हमने अचार में, तो इसी से अचार अच्छे से घुल जाएगी। तो इसमें विनेगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें मसाले ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच भर के नमक ऐड कर लेना है। तो नमक का क्वांटिटी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। साथ ही इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा कलर के लिए। और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले सब्जियों पर अच्छे से कोट हो जाए।
अचार में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो देख सकते हैं, बोल के तले में है। तो अब इसे ढक के 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि जो मसाले और सब्जियां हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। तो 2 घंटे के बाद फ्रेंड्स ये देखिए जो मसाले हैं वो अच्छे से सब्जियों में कोट हो चुकी है और घुल चुका है। तो अब इसे स्टोर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्लास का एक जार लिया है। तो फ्रेंड्स, अचार स्टोर करने से पहले जार को अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसमें जो भी पानी वगैरह हो वो अच्छे से सुखा के स्टोर कीजिएगा, तभी अचार सालों साल तक चल सकते हैं, नहीं तो अचार जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 जार में ऐड कर लिया है। अगर आपके पास एक बड़े सा जार है तो उसी में इकट्ठे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अचार के ऊपर तक ऑयल है तो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी में अच्छे से अचार घुल के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पतला सा कॉटन कपड़ा लिया है जार को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से कवर कर लेना है ताकि धूप में सुखाते हुए इसमें धूल मिट्टी ना पड़े। तो 3 दिन के लिए इसे धूप में सूखने के लिए रखेंगे, उसके बाद हमारा अचार बनके तैयार है। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर में भी इसे रख सकते हैं अगर धूप में सुखाने की सुविधा ना हो तो। तो फ्रेंड्स, आप भी ये इंस्टेंट मिक्स अचार बना के ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। आप 1 साल से 1.5 साल तक आराम से स्टोर करके इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।